आप सभी को मेरी ओर से प्रेम पूर्ण राधे राधे। आज का ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, मैं इसमें कुछ फ्लूट लेसन नहीं बताने वाला हूँ। आज का वीडियो जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो म्यूज़िक सीख रहे हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखते हुए या म्यूज़िक सीखते हुए डीमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद हम जब लगातार अभ्यास कर रहे होते हैं और हमें वो चीज़ नहीं आ रही होती तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है, म्यूज़िक सीखना है, संगीत में आना है, तो आप शॉर्टकट मत ढूंढिए। अगर आप जितना शॉर्टकट ढूंढेंगे उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगी। और मैं सिर्फ आपको यहाँ पर YouTube पे टीचिंग करने नहीं आया हूँ, लोगों को समझाने नहीं आया हूँ, ट्यूटोरियल्स देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपका साथी, आपका सहयोगी बनने आया हूँ। अगर आप इंस्ट्रूमेंट दिल से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करने आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग दिल से बांसुरी या जो भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं उनके लिए डेडिकेशन के साथ में उस काम को करना, बिना शॉर्टकट ढूंढे, बिना कोई आराम साधन ढूंढे, उनके लिए सहयोग करना। और आप इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखेंगे, लेकिन तब सीख पाएंगे जब आप कंटिन्यूसली लगातार एक वे में मेहनत करेंगे और सही रूप में प्रैक्टिस करेंगे। तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी कि आप एक अच्छे प्लेयर बन पा रहे हैं या अच्छे वोकलिस्ट बन पा रहे हैं। और कोई भी चीज़ है, अगर उसको बनने में समय लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ ना कुछ प्रभावशाली है। एक उदाहरण देके बताता हूँ कि कोई हीरा जो होता है उसको बनने में कितना समय लगता है। तो उसी प्रकार आप भी अगर खुद को तराश रहे हैं, खुद को मेहनत कर रहे हैं, खुद को तपा रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो ज़रूर मिलेगा। इसीलिए लगातार मेहनत कीजिए और शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। संगीत में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, संयम होता है, संयम रखना होता है। और नई नई चीज़ों को, इसी प्रकार की जानकारियाँ बांसुरी सीखने के लिए म्यूज़िक से रिलेटेड जो जानकारी आपको चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा। और ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है, एक्चुअल में ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल है। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेरे में इस विषय को लेकर के जितना ज्ञान है मैं यहाँ पर प्रकट करता हूँ। और आप लोगों की यदि कोई क्वेरी होगी तो मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो प्लीज़ अपना जो डाउट है को यहाँ पर छोड़िए। अगर आप कोई अदर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जो मैं नहीं सिखाता हूँ या जो मैं नहीं जानता हूँ उसके विषय में, तो मेरे पास उसके जानकार हैं, उसके टीचर्स हैं, मैं उनसे इसका विषय में कन्वर्सेशन करके बताऊँगा आपको। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है संगीत सीखने में तो मेरे चैनल पर आपको वो सहयोग मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और डीमोटिवेट मत होइएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। प्रेम पूर्ण आपको राधे राधे।